नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले तो टेक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं किसी बिजनेस या फ्रेंचाइजी के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जोमेटो फ्रॉड के बारे में। दोस्तों, जोमेटो फ्रॉड मेरे साथ होते होते रह गया, बस थोड़ा सी मेरी सतर्कता थी, इस वजह से मेरे साथ फ्रॉड होते होते रह गया। मैं बताऊँगा इस वीडियो में कैसे मेरे संग ये होने वाला था और कैसे मैं इस चीज़ से बचाऊँ। तो दोस्तों, के फ्रेंचाइजी और बिजनेस की जो वीडियोज़ हैं हर बार बनती ही रहती हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप में शायद 100 लोग के साथ फ्रॉड ये ना हो, लेकिन हाँ, किसी एक के साथ होता है और वो मेरी वीडियो देख के थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है, थोड़ा सा उसको जानकारी मिल जाती है कैसे ये सब नहीं करनी है और क्या चीज़ें करनी है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अगर कोई एक भी बच जाता है मेरी वीडियो को देख के, तो मेरे लिए वो बहुत ही बड़ा प्राइस होने वाला है। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं सीधे। तो बात दरअसल है 15 अगस्त की बात है। रात के 8 बजे मैंने अपने फैमिली के लिए 4 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, जो रात को 9:07 में मेरे को डिलीवर होने थे। हाँ, मैंने ऑनलाइन पेमेंट करी थी, पेमेंट हो चुकी थी और ऑर्डर कंफर्म हो चुका था रेस्टोरेंट के थ्रू। एंड देन उसके बाद यूजुअली जैसे ऐप में आता है कि राइडर बुक हुआ है, ग्राफ बना आता है, वो मैप बना आता है, देन राइडर का पोजीशन आती रहती है, वो नहीं आया। सिर्फ आया मेरा उसमें ऐप में कि योर ऑर्डर इज़ ऑन द वे। देन मैंने बोला चल ठीक है, कुछ हो रहा हो नेटवर्क इशू, लेकिन पहुँच जाएगा, इतना कन्फर्म पैसे कट गए, उतनी ऐसा वैसा कभी हुआ भी नहीं था। देन 9:07:15 हो गए, देन उसके बाद मैंने सीधे रेस्टोरेंट कॉल किया, मैंने कहा यार मेरा एक ऑर्डर है वो पहुँचा नहीं अभी तक। बोलते हैं कि सर आपका ऑर्डर तो हमारे तरफ से कैंसिल हो चुका है। पहले हमने एक्सेप्ट किया था, फिर हमने देखा कि हमारे पास राइडर नहीं है तो डिलीवरी बॉय नहीं है, तो हमने वो कैंसिल कर दिया। देन मैंने कहा मेरे को तो ऐसा कोई शो नहीं हो रहा, ना मुझे कोई रिफंड आया है इसके बारे में। तो उन्होंने बोला सर आप कंपनी को कॉन्टैक्ट कीजिए और वो आपका रिफंड करा देंगी। देन मैंने उसी में ऑप्शन आता है चैट फॉर हेल्प, मैंने उसमें चैट में ऑप्शन में उनको मैंने कस्टमर जो एग्जीक्यूटिव थे मैंने समझाया उनको अपनी सिचुएशन के बारे में। देन उन्होंने बहुत ही पेशेंटली सुना और समझा और उन्होंने मुझको प्रॉमिस किया, मेरे को वर्ड्स दिए कि आपके जो रिफंड है वो 4 से 5 दिन में आपके बैंक अकाउंट में शो हो जाएगा। एंड फॉर अपोलॉजी उन्होंने जेस्चर की तरह सॉरी बोलने के लिए उन्होंने 102 रुपये मेरे जोमेटो अकाउंट में क्रेडिट करने की बात करी। तो मैंने कहा चल ठीक है, बहुत ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बड़ी कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है इस चीज़ के ऊपर ही, कस्टमर को इनकन्वीनियंस हुई थी। देन मैं बिल्कुल सिक्योर हो गया कि मैंने कहा चलिए ठीक है यार, कोई बात नहीं, पैसे तो आ ही जाएंगे। तो फिर 16 अगस्त को सुबह 8:30 एक कॉल आया, 9 बजे कॉल आया, उसमें लिखा था जोमेटो कस्टमर केयर और थोड़ा सा ट्रू कलर का आशा आ रहा था। एंड देर उसमें 15 लोगों ने स्पैम भी कर रखा था। देन मैं थोड़ा सा डाउट हुआ, लेकिन मैंने कहा कि यार ये स्पैम इनको मतलब शायद किसी ने करा हो, लेकिन क्या पता है कस्टमर केयर का ही नंबर हो, हमें मेरी प्रोसेस जो इनिशिएट है वो करने के लिए मेरे पास कॉल आ रहा हो, ठीक है। तो और यूजली ऐसा ही होता है। तो क्या हुआ, मैंने 11:30 बजे के करीब कॉल पिक किया एंड देन मैंने उनसे बात करी। उन्होंने नाम अभिषेक मिश्रा या मेहरा बताया था, मुझे याद नहीं है। उन्होंने बोला सर आपके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने उन्हें भी समझाया ये। तो उन्होंने बोला सर ठीक है, सबसे पहले मुझे एक नंबर नोट कराया, ठीक है, और सर ये नंबर आप सेव कर लीजिए और मैं आपको एक लिंक भेजने वाला हूँ, उस लिंक को आप फॉरवर्ड करना, अपने जो बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर है उससे फॉरवर्ड करना और जो नंबर आपको लिखाया उसमें, ठीक है, तो जो आपका रिफंड का इनिशिएट हम कर देंगे यहाँ से। देन थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ कि यार ये कौन सा तरीका होता है पैसा रिफंड करने का, ऐसा किसी कंपनी से मैंने ना सुना ना मेरे संग हुआ। पैसे लोगों के बहुत पहले भी अटके हैं, पहले भी वापस रिफंड आए, मेरे भी आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने डायरेक्टली मैंने सिंपल कॉस्ट क्वेश्चन किया, यार सर ये कोई तरीका कंपनी ऐसा कौन सा तरीका, ये कौन सी कंपनी ऐसा यूज़ करती है कि लिंक फॉरवर्ड कीजिए और फिर आपका पैसा इनिशिएट हो जाएगा। मैंने कहा मुझे सीरियसली मुझे डाउट हो रहा है, आप बुरा मत माने, लेकिन मेरे को आपको चेक करना है मुझे इस चीज़ से। तो उन्होंने कहा सर आप चेक कर लीजिए इस तरीके से, हमारी कंपनी रजिस्टर है, जोमेटो से बात कर रहे हैं, हमारा जो हेड ऑफिस नोएडा में है। देन मैंने थोड़ा सा हॉट आउट हुआ, जोमेटो का हेड ऑफिस नोएडा में कैसे हो सकता है जबकि वो गुड़गांव में है, मेरे हिसाब से तो गुड़गांव में है। देन फिर मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा मैंने कॉल कट किया, वो मैंने सिंपली चैट में दोबारा किया, मैंने उनको बोला कि मेरे को ऐसा सा कॉल आया है इस नंबर से और मुझे दूसरा नंबर दिया गया इसमें लिंक फॉरवर्ड करने के लिए, लिंक उन्होंने भेजा नहीं था वहाँ से। देन कस्टमर केयर चैट में चैट वालों ने मुझे बोला कि नहीं आप इन चीज़ों के बारे में कंसर्न मत लीजिए, आपका जो ऑर्डर है मैंने रेस्टोरेंट से दोबारा बात करी है तो आपका ऑर्डर मैं दोबारा रिपीट करा सकता हूँ या नहीं करा सकता, आपको रिफंड चाहिए ऑर्डर। मैंने कहा यार मुझे आप मेरे को ऑर्डर रिफंड करा लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। देन क्या हुआ, तो उन्होंने ऑर्डर रिफंड करा दिया, ऑर्डर आ गया घर पर एंड देन वो जो 102 रुपये कट के जोमेटो वो भी जोमेटो ऐप में आ चुके थे।
देन मुझे यहाँ शिकायत इन लोगों से नहीं है, जोमेटो से मेरे को शिकायत नहीं है। जोमेटो और ये जो कंपनीज़ हैं अपना अपना काम कर रही हैं इतनी मेहनत से, ये कोई एम्पायर कुछ चीज़ें नहीं है आप लोगों के और हमारे लिए काम कर रही हैं, लेकिन इनके नाम से जो ये धोखाधड़ी चल रही है ये बंद होनी चाहिए। ये क्या चल रहा है, मतलब आप लोगों जो ये लोग हमारी जो मेहनत का पैसा है ये हमें बेवकूफ़ बना के ले लेते हैं, तो ये सब बंद होना चाहिए। मेरे को सिर्फ गुस्सा इन लोगों के ख़िलाफ़ है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और, दोस्तों जब मैंने ये डिस्कस किया अपने फ्रेंडों के साथ तो उन्होंने ही बताया कि एक आज फ्रॉड आजकल चल रहा है कि अगर आपको अननोन नंबर से कोई मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज आता है, उसमें लिंक होता है कि पेटीएम डाउनलोड करो या कोई सी भी आप डाउनलोड कीजिए उसका लिंक होता है, तो प्लीज़ क्लिक मत कीजिएगा। ये भी एक नया तरीका निकाला है लोगों ने फ्रॉड करने का। कोई भी ऐप का लिंक आए मत कीजिए, अगर आपके जानने वाले नंबर ने ही भेजा है तो आप अपने गारंटी पे वो कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से अगर आप मेरी रिकमेंडेशन चाहते हैं तो उसे क्लिक मत कीजिए, वो भी फ्रॉड हो सकता है। दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट वीडियो, मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपनी बातें बताएंगे जो मेरे से हुआ था। थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों ये सब चीज़ें करने से पहले, और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ या फिर आपके साथ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर लिखिए, ताकि और लोगों को हेल्प हो, वो समझ सकें इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि किसी एक के हेल्प हो सके जो इस फ्रॉड से बच सके। मैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें बात करूँगा किसी बिजनेस और फ्रेंचाइजी के बारे में, तब तक देखते रहिए बोलते हैं, धन्यवाद।